वहीं शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को हरे झंडे पर चांद और तारे नहीं भाए, शायद इसीलिए अपना मत रखते रखते मर्यादा की रेखा को लांघ गए और इसकी तुलना अरबी वेश्याओं और पाकिस्तान से कर दी। तो क्या माना जाए कि झंडे के सहारे रिजवी सियासी दांव चल रहे हैं? उनके बयान का मकसद इस्लाम में सुधार है या भावनाओं पर प्रहार है? रिपोर्ट देखिए। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी वो हैं जिनके नाम से मुस्लिम धर्म के स्वयंभू मौलाना उलेमा खार खाते हैं। आज फिर लीक से हटकर बेलगाम बेबाका कुल मिलाकर कहें बेरहम होकर एक बार फिर उनके जख्मों पर नमक छिड़का है। एक झंडा जिसमें चांद और तारे हैं उस पर सवाल उठा दिया। ये वही झंडा है जो मुस्लिमों की गलियों और चौराहों घरों की दीवारें और छतों पर शान के साथ लगाया जाता है, जिसकी शान में कसीदे गढ़ते हैं। आज उसी झंडे को मोहम्मद साहब का नाम लेकर नकार दिया, झंडे लगाने वाले को पाक परस्ती से नवाज दिया। तन का झंडा है, देखिए अपने झंडे पर वो वैश्याओं का निशान बनाए या किसी का निशान बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका अपना आउटलुक है। लेकिन उस निशान को, उस हरे झंडे पर चांद तारे के निशान को अगर हम धर्म की आड़ लेकर यहाँ पर फहरा रहे हैं, अपने घरों पर फहरा रहे हैं, अपने जुलूसों में लेकर चल रहे हैं, तो वो इस्लामिक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी मोहब्बत है, ये खत्म होना चाहिए, भारत का संविधान ये इजाजत नहीं। वसीम ने धुन की मस्ती में संजीदगी का लिबास ओढ़े अपने ही धर्म पर सवाल उठा दिया। भारत के मुसलमान पाकिस्तान से फिर शब्दों के जरिए अयोध्या आए और झंडे के साथ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को रोकने वालों की फेरिस्तों में पाक को शामिल कर लिया। कौन का झंडा है, देखिए अपने झंडे पर वो वैश्याओं का निशान बनाए या किसी का निशान बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये उनका अपना आउटलुक है। लेकिन उस निशान को, उस हरे झंडे पर चांद तारे के निशान को अगर हम धर्म की आड़ लेकर यहाँ पर फहरा रहे हैं, अपने घरों पर फहरा रहे हैं, अपने जुलूसों में लेकर चल रहे हैं, तो वो इस्लामिक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी मोहब्बत है, ये खत्म होना चाहिए, भारत का संविधान ये इजाजत नहीं देता। राम मंदिर नहीं चाहता कि पाकिस्तान यहाँ पर बन पाए और ये इसको लेकर फसाद होते रहे, इसके लिए वो फंडिंग भी कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, मैंने बहुत पहले भी कहा था। अब दाऊद का सीधा इन्वॉल्वमेंट, दाऊद वहां पर एक शरण लिए हुए एक अपराधी और हिंदुस्तान में वो मेरी हत्या कराना चाहता है, दिल्ली पुलिस की होशियारी से कई लोग पकड़े गए, ये बात खुल के सामने आ चुकी है। तो पाकिस्तान का सीधा इन्वॉल्वमेंट राम मंदिर से हो चुका है। मेरा कहने का मतलब यह कि हिंदुस्तान के मुसलमान के दिल से जब तक के पाकिस्तान का जो प्रेम छुपा हुआ है ये खत्म नहीं होगा, हमारे हालात खराब होते जाएंगे। लेकिन लगता है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के तल्ख बोल देवबंद के उलेमाओं को रास नहीं आए। रिजवी के दागे शब्दों के गोले का जवाब उनसे दो कदम आगे बढ़कर कातिलाना तल्खी के तौर पर दे दिया। इसको ये कहना कि इस्लामिक झंडा ये नहीं, एक तो ये गलत बात है, ये मुल्कों के अपनी हुकूमतों के अपने अपने प्रतीक हैं और कुछ प्रतीक ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ प्रथा में हमारे यहाँ चले आ रहे हैं। वसीम रिजवी इस तरह की जो बात करते हैं, तमाम मुल्कों के अलग अलग तरह के चांद तारों के और भी झंडे हैं, किस किस पे आप उंगली उठाओगे, किस किस को आप मना करोगे? वसीम रिजवी ही ये चाहते हैं क्या, बस इस देश का मुसलमान अकेला मैं रहूं, इस देश में मैं रहूं, दूसरे मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए क्या, दूसरे मुसलमानों को कहीं और चला जाना चाहिए क्या? ये आरएसएस की दलाली और आरएसएस की गुलामी करना बंद करे वसीम रिजवी और सीधा साधा सच्चा मुसलमान बन के देश के अंदर रहे, देशभक्त बन के रहे। तो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मुसलमानों को जो चुनौती चेतावनी और नसीहत दी है, तो क्या वाकई में उसे एक धर्म विशेष में सुधार की कोशिश माना जाए या फिर सत्ता की राह पर चलता उन्हें एक मुसाफिर माना जाए? तय तो जनता करेगी, आखिर लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।